गया हूँ उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत जंगल यानी कि राजाजी टाइगर रिजर्व में। यहाँ पर मोहन जोन और चिला जोन में तीन सफारी करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ रानीपुर जोन की सफारी करने। मैंने आज तक कभी किसी जंगल में लेपर्ड को फिल्म नहीं किया था, लेकिन वो सपना पूरा हो गया मोहन जोन की इस जबरदस्त लेपर्ड साइटिंग से। और ये मजा तब दोगुना हो गया जब चिला जोन में भी मुझे बहुत ही शाही लेपर्ड मिल गया, जिसको देखने के लिए करीब 45 मिनट उसी के पास इंतजार करना पड़ा। और लेपर्ड्स के अलावा मोहन और चिला की शानदार वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करते हुए इस बात पर यकीन भी आ गया कि राजा जी की खूबसूरती किसी भी जंगल से कम नहीं है। यहाँ आपको तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज आराम से मिल जाएंगे। सो अब वक्त हो चला है रानीपुर की सफारी करने का, और मैं सुबह 5:30 बजे चिल्ला और मोतीचूर के जंगलों के बीच में से निकल रहा हूँ और रानीपुर के एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग वीरू जी। गुड मॉर्निंग सर। वेल, फाइनल सफारी हमारी राजाजी नेशनल पार्क की। तो मैं बहुत टाइम से रानीपुर रेंज के बारे में सुनता था, और मेरे कई ऐसे मित्र हैं वाइल्ड लाइफ में जो रानीपुर से अलग 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 शॉट्स भेजते थे लेपर्ड्स के खास तौर पे, और मुझे यकीन नहीं आता कि ये पूरा जंगल शहर के कितने साथ सटा हुआ। देखिए वो सामने पूरा शहर दिख रहा है उस तरफ। तो थोड़ा बताइए रानीपुर के बारे में, क्या जंगल है ये और क्या देखने को मिल सकता है अपने को? रानीपुर का जो ट्रैक है सर, लगभग लगभग 25 से 28 किलोमीटर की रेंज का एरिया है। इसमें क्या है कि सर, ये सिटी के बड़े नज़दीक है। अगर आप देखेंगे ना, सिटी को पूरा लगा हुआ है इसमें जी। तो होता क्या है, इवनिंग में लेपर्ड्स जो है मूवमेंट करते हैं आपका सिटी की ओर, क्योंकि जो लेपर्ड है उसको कुत्ते खाना बहुत पसंद है जी। तो खाना गिर के सब नीचे आया बच्चा सा। हाँ जी। तो और मॉर्निंग में उनका मूवमेंट रहता है सिटी से जंगल की ओर। तो ऐसे ही एनिमल भी करते हैं, जो चीतल है, सांभर है, नीलगाय है, ये सब के सब इस तरह चले जाते हैं। लेपर्ड के लिए बहुत अच्छा है, लगभग 8 से 9 लेपर्ड हैं जिनका टेरिटरी इस एरिया में आता है। और साइटिंग तो रोज़ होती है, बट किसको होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा होती है। अच्छा। क्योंकि वो लोग गश्त पे पैदल रहते हैं। दूसरा क्या है, कई बार गेट के नज़दीक से निकल जाता है तो मन में मालूम चल जाता है जी। तो इस तरीके का टेरिटरी है। और यहाँ पे कुछ टाइगर पॉपुलेशन भी है सर। टाइगर जो कॉर्बेट से ढेला से लेके आए थे जी, जिससे ढेला से उसको लेके आए थे, तो उसको मोतीचूर रेंज में उन्होंने छोड़ा था। अच्छा। उसके बाद जो टाइगर ने अपना टेरिटरी बनाना स्टार्ट किया तो मूव करता रहा। तो T4 टाइगर है, वो मेल टाइगर है। अच्छा। तो कभी कभी बेरीवाड़ा वाले इलाके में और रावली छिड़क हरनौल के अंदर के एरिए में जी, इस ट्रैक पे तो नहीं आता है, थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। अच्छा, अंदर रहता है। और वहाँ तक आ गया, फिर उसने देखा कि जंगल उसके मतलब का है कि नहीं है, फिर चला जाता है। ओके। उसके अलावा 2 फीमेल भी हैं, वो कभी कभी मूवमेंट करती हैं, रेयरली मूवमेंट होता है टाइगर का। अच्छा। बहुत ही कम मूवमेंट होता है, लपड़ का मूवमेंट ज्यादा ज्यादा। और प्रे स्पीशीज में क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ तो चीतल है, सांभर है, नील गाय है, जंगली सूकर है, और आपका वो है बार्किंग डियर। बार्किंग डियर भी है। बाकी लपड़ के लिए तो प्रे पीकॉक भी है, फाउल भी है। हाँ जी, हाँ जी। लंगूर भी है, ब्लैक लंगूर भी है, बंदर भी है, ब्लैक में बेयर भी है। अच्छा। तो ये सब है उसका। चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये इस सफारी के लिए। फाइनली मौका मिला रानीपुर रेंज घूमने का। हाँ। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा देखने का। एनिमल आपको दिखेगा सड़क के बहुत नजदीक दिखेगा जी, जो भी एनिमल दिखेगा आपको, बहुत दूर तक विजिबिलिटी नहीं हो पाती है, नजदीक तक नजर आ जाता है। आज रानीपुर में सिर्फ हमारी जिप्सी है फिलहाल। सैटरडे मॉर्निंग है, मुझे नहीं पता ये सैटरडे मॉर्निंग की वजह से है, बट जंगल इज़ प्राइमा फेसी एक्सक्लूसिव फॉर अस। सो लेट्स सी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं जंगल को एक्सप्लोर करते हुए, तो देखते हैं क्या मिलता है आज। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो वीरू जी ने हमें बताया कि ये रेंज मोस्टली एक सिंगल स्ट्रेट रोड है जो एंड तक जाएगी और वापस आएगी, और इसके साथ साथ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वॉल चल रही है, तो ये वॉल काफ़ी किलोमीटर तक के साथ साथ चलती रहेगी, और उस साइड पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो जंगल एकदम ह्यूमन सेटलमेंट के साथ सटा हुआ है। तो ये वॉल ही है जो एक फिज़िकल डिवीज़न क्रिएट कर रही है बिटवीन द जंगल
एंड द ह्यूमन सेटलमेंट, बट यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ फिर भी काफ़ी यूज टू लग रही है ह्यूमंस के, क्योंकि जो डियर मिल रहे हैं वो एकदम नज़दीक खड़े हैं और वो फिर साइड पे जल्दी जाते नहीं हैं, तो जिससे उनके काफ़ी नज़दीक से शॉट लेने को मिल रहे हैं। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर जंगल बहुत अंदर डीपली एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा तो भी शायद हमें यहाँ पे कुछ अच्छी लेपर्ड साइटिंग वगैरह हो जाए। तो जंगल घूमते हुए हमारी नज़र पड़ रही है एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउल पर, जिसका नाम है इंडियन स्कॉप्स आउल। यह आउल वैसे तो एक आम पिजन से भी छोटा है, बट स्कॉप्स आउल में सबसे बड़ा आउल है। और अब हमारे सामने है ब्लू बुल, यानी कि नीलगाय फैमिली का एक मदर एंड काफ का पेयर। राजा जी के जंगल्स में मैंने जितने नीलगाय देखी हैं, उतनी मैंने कॉर्बेट, रणथंभौर या किसी भी जंगल में आज तक नहीं देखी। लेपर्ड को तलाश करते हुए एंड बर्ड्स और एनिमल्स को फोटोग्राफ एंड फिल्म करते हुए हमें सीधी सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ आ गया है आज का पहला रिवर बेड, जिसे क्रॉस करते हुए हमें जंगल में दूर तक देखने का मौका मिल रहा है। और यहीं हमें मिलता है लेपर्ड प्रेजेंस का सबसे पहला और पक्का साइन। ये देखिए, यहाँ पे हमें लेपर्ड के फ्रेश पगमक्स मिल गए हैं, जो उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और ये सब जीप के ऊपर है, ये पहली जीप हमारी है ना, लास्ट नाइट का चला हुआ है। अच्छा, ये फ्रेश सुबह का नहीं है, ये लास्ट नाइट का चला हुआ है, क्योंकि जो उसकी क्रिच है ना, क्रिच, हाँ जी, धारियाँ जो है, देखो धारियाँ जो है धूप उससे, हवा से जो है ना, उसके ऊपर मिट्टी आ गई है। देखिए सर, सामने आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, इसको सेमल का पेड़ कहते हैं। अच्छा। बॉम्बेक्स सीबा इसका बॉटनिकल नेम है। ये पेड़ जंगल के लिए बड़ा यूजफुल है सर। आप इस पर फ्लावरिंग देख रहे हैं इस समय, तो इस पर जो पैराकीट्स है ना सर, पैराकीट्स होते हैं आपके, ड्रोंगोस होते हैं आपके, ट्रिपाइज होती हैं, लीफ बर्ड्स होती हैं, तो इसमें फ्लावर में नेक्टर लेने आती हैं। अच्छा। फिर जब ये फ्लावर पक जाता है तो फली बनती है, फली के अंदर रुई निकलती है और रुई के अंदर सीड होता है और उड़ के जंगल के अंदर फैल जाता है। तो पहले जो रजाइयाँ गद्दे बनाए जाते थे ना जी, तो इसी की कॉटन से बनाए जाते थे। अच्छा, अच्छा अच्छा। और दूसरा क्या है, हाथी इसकी छाल बहुत खाना पसंद करता है और इसकी ही लकड़ी की पहले माचिस की तीलियां बनी करती थी। अच्छा। तो ये पेड़ जो है बहुत काम का होता है जंगल के लिए हर तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है ब्यूटीफुल इंडियन पीफाउल, जो शायद किसी की तलाश में है, और अपने दोस्त के आते ही अब दोनों जंगल के अंदर जा रहे हैं। अब हमें एक और रिवर बेड ने ज्वाइन कर लिया है, जो कुछ देर तक हमारे साथ ही चल रहा है, और यहीं पर हमें एक और जिप्सी व्हीकल ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो जंगल में लेपर्ड को ढूंढने के लिए अब कुछ आंखें बढ़ गई हैं। थोड़ी देर हमारे साथ साथ चलने के बाद अब यह रिवर बेड हमारा रास्ता काटते हुए लेफ्ट टर्न ले रहा है, और इस दूसरे रिवर बेड को क्रॉस करते हुए हमें एक बार फिर से लेपर्ड प्रेजेंस का भी दूसरा साइन मिल गया। गाड़ी के आगे हमें फिर से लेपर्ड के कुछ पंजे मिले हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन हमारे ड्राइवर साहब और गाइड साहब ने बताया कि शायद ये रात के पंजे हैं, तो और लेपर्ड निकल के फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे जंगल के अंदर गया है। अभी हम एक रिवर बेड के किनारे पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से विजिबिलिटी बहुत दूर दूर तक है, तो कोशिश कर रहे हैं देखने की शायद कोई मूवमेंट हो। ये एक तरफ आप देख सकते हैं पूरी ग्रासलैंड है और दूसरी तरफ रिवर बेड है, ये चारों तरफ का व्यू है इस एरिया का। तो सामने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग सामने एक बड़ा आपको पहले येलो पेड़ दिख रहा है, फिर एक थोड़ा सा कम झाड़ वाला पेड़, वहाँ से एक लेपर्ड क्रॉस करता है जी, और ये यहाँ पर पानी पीता है सामने। अच्छा। ये फीमेल लेपर्ड है फिर वहाँ से पैज में चल के जंगल में मिल जाती है। अच्छा। और एक मेल लेपर्ड है जो कई बार यहाँ से क्रॉस करता है इधर से, और जो ये पगमार्क है उसी में। अच्छा, जो भी हमने पगमार्क देखे थोड़ी देर पहले। ओके। रिवर बेड को क्रॉस करते ही हमारी नजर पड़ रही है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल्स के सुंदर जोड़े पर। आपको जानकर शायद हैरानी हो, बट हॉर्नबिल्स लाइफ लॉन्ग एक साथ रहते हैं और अक्सर आपको पेयर में ही मिलेंगे। हॉर्नबिल्स के पास ही हमें दिख रहा है खूबसूरत रेड जंगल फाउल, यानी कि जंगली मुर्गा। डोमेस्टिक चिकन की उत्पत्ति इसी पक्षी से हुई थी। ये सुंदर बर्ड सुबह और शाम अपनी कॉल से जंगल के मधुर संगीत को और मधुर बनाने में खास योगदान देता है।
अब हम पहुंच रहे हैं रानीपुर जोन के लास्ट पॉइंट यानी कि बेरीवाड़ा एफआरएच पर। यहां से एक रास्ता मोतीचूर जोन की तरफ निकल जाता है, लेकिन इस रास्ते पर टूरिज्म व्हीकल्स अलाउड नहीं है। इस एफआरएच से आगे सड़क सीधा धौलखंड एफआरएच तक जाती है। धौलखंड एफआरएच को आपने राजा जी सीरीज के मेरे पहले व्लॉग जो मैंने मोहन जोन पर बनाया था उसमें देखा था। बेरीवाड़ा एफआरएच 1886 में बनाया गया था और ब्रिटिशर्स के द्वारा पूरे उत्तर भारत के जंगलों में बनाए गए अनगिनत और सुंदर एफआरएच में से एक है। यहाँ पर टूरिस्ट का स्टे अलाउड नहीं है, पर अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेकर यहाँ रहने का मौका ढूंढ सकें तो आपको यहाँ की ब्यूटी बेहद पसंद आएगी। जंगल को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई मूवमेंट दिख जाए। अभी तक तो बिल्कुल साइलेंट है, कोई डियर स्पीशीज भी नहीं दिख रही यहाँ पे। बट यू नेवर नो, वाइल्ड लाइफ इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो शायद कोई लेपर्ड मूवमेंट हो। हमारी आधी सवारी हो चुकी है, हम बेरीवाड़ा एफआरएच तक गेस्ट हाउस तक होके आ चुके हैं, अब हम वापस ही जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 1.5 आवर्स होपिंग कि कुछ हो जाए। पिछली भी जो लेपर्ड साइटिंग हुई है वो ऐसे हुई। इनफैक्ट मोहन रेंज में जब हम गए थे जाते वक्त कुछ नहीं मिला, वापसी पे बहुत अच्छी साइटिंग हुई। और चीला वाली सफारी जो आपने देखी उसमें भी एकदम से अचानक ही हुई। तो वाइल्ड लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम आप लकी हो जाओ और सडनली कोई मूवमेंट हो जाए। सो वी आर होपिंग स्पेंडिंग सम टाइम ओवर हेयर। रिवर बेड को अच्छे से स्कैन कर रहे हैं, देखते हैं शायद कुछ दिखे। तो इस वक्त यहाँ पे कॉलिंग चल रही है सांबर की। ये देखिए, परसिस्टेंट कॉलिंग है यानी कि अंदर लेपर्ड है। ये सामने से हम आए हैं, अभी इधर सामने स्पॉटेड डियर का एक हर्ड भागता हुआ गया है। किसी भी जंगल में सांबर डियर की कॉल ऑलमोस्ट 100% एश्योरेंस होती है कि एक बड़ा प्रीडेटर उसके सामने है। सो लेपर्ड की प्रेजेंस का तो हमें कंफर्मेशन मिल गया है। और अब हम गाड़ी को बेरीवाड़ा एफआरएच के डायरेक्शन में वापस मोड़ उसी रिवर बेड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे क्रॉस करके हम अभी आए थे। गाड़ी थोड़ा आगे ले आए हैं क्योंकि सांबर की कॉल धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं, तो हमें लग रहा है कि लेपर्ड भी शायद मूव करता करता उस डायरेक्शन से होते होते इस जंगल के थ्रू आगे बढ़ रहा है। अभी हम एक जगह पर खड़े फर्दर लेपर्ड मूवमेंट की वेट ही कर रहे थे कि रिवर बेड की तरफ से आते हुए ट्रॉली पर सवार लेबरर्स ने हमें बताया कि पीछे रिवर बेड पे एक लेपर्ड बैठा हुआ है। और ये खबर हमारे कानों के लिए म्यूजिक थी। So, हम भी तेजी से रिवर बेड की तरफ बढ़ चले। और जैसे ही रिवर बेड को स्कैन किया तो लेपर्ड रिवर बेड के बीचों बीच ऐसे बैठा हुआ मिला। कुछ सेकंड्स तो ये लेपर्ड ऐसे ही हमें देखता रहा, लेकिन जैसे ही इसे पता लगा कि इसकी प्रेजेंस को हमने डिस्कवर कर लिया है तो ये छुपने के लिए उठ चला। ये देखिए, सामने हमें लेपर्ड मिल गया नदी के बेड के बीच में बिल्कुल, और वो चलता हुआ जा रहा है। ये देखिए, सामने खड़ा हो गया अभी। ये सामने वाले एरिया में अभी हमें लेपर्ड दिखा है। हमारे पीछे से बार्किंग डियर की कॉल और चल रही है, यानी पीछे इस एरिया में भी लेपर्ड है। दो लेपर्ड्स की मूवमेंट है इस वक्त यहाँ पे। शायद बार्किंग डियर की कॉल सुन पा रहे होंगे। नहीं नहीं, वो लकड़ी है यार, वो लेपर्ड नहीं है। कहाँ पे दिख रहा है? उसी में दिख रहा हूँ ना, जहाँ पर वो कलिशन उड़े। हाँ, वो लेपर्ड नहीं है। लेकिन पीछे कॉलिंग चल रही है इस तरफ। ये सुनिए। वेल, मज़ा आ गया। हम लोग
इसी रिवर बेड से थोड़ी देर पहले क्रॉस करके आगे खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कॉलिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा एक और लेपर्ड की। और एक टाइम पे हमने गिव अप कर दिया क्योंकि इस तरफ से सामने से एक ट्रॉली आ रही थी और बहुत शोर करते हुए आ रही थी, तो हमें लगा कि अब ट्रॉली आ रही है, इतना शोर कर रही है तो लेपर्ड के कोई चांसेस नहीं होंगे। वीरू जी ने एक बार फिर से बोला कि नहीं, ट्रॉली को निकल लेने देते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं। और कमाल के बाद देखे कि ट्रॉली पे जो लोग बैठे थे उन्होंने हमें बताया कि पीछे रिवर में लेपर्ड बैठा हुआ है, और हम वापस फटाफट आए और रिवर के बीच में लेपर्ड मिला, जो आपने पूरा सीक्वेंस देखा। यहां से हम एक बार जा चुके थे वहां पर रुकने के लिए। ऐसा हो सकता है सर कि दो लेपर्ड रहे, ये फीमेल थी, यहां से मेल इधर को गया होगा, हो सकता है कि नहीं है, और ये फिर इधर को अपना क्रॉस मार गई जल्दी, बहुत जल्दी आई है ये। हाँ जी, एक चीज याद रखना, बहुत जल्दी आई है, लेपर्ड इतनी जल्दी नहीं आता है, नहीं है, क्योंकि 5 से 7 मिनट का ही रहा हमारा सारा का सारा सीन। और ये इधर से लेपर्ड उधर क्रॉस मारा होगा मेल ने, इधर से उसने इधर को फटाफट क्रॉस मार दिया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि दो लेपर्ड्स की मूवमेंट इकट्ठे चल रही थी, हम पीछे वाले लेपर्ड को ट्रैक कर रहे थे जिसकी कॉलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और वो करते करते हम यहाँ पर आ रहे थे, और इतने में यहाँ पर एक और लेपर्ड आ गया। तो अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले फिर से कॉलिंग हुई है, तो अभी हम यहीं पर हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं कि शायद हमें दूसरे लेपर्ड की भी साइटिंग हो जाए। लेकिन पहली सेटिंग के साथ तो मज़ा आ गया, और जो हमारी लास्ट सफारी है राजा जी की, उसमें भी हमें लेपर्ड साइटिंग हो गई, तो आई थिंक इट वाज अ प्योर ब्लिस। राजा जी रिजर्व की अपनी आखिरी सफारी में भी लेपर्ड साइटिंग होने की खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। सो अब हम एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और एज यूजुअल बर्ड्स एंड एनिमल्स को फिल्म एंड फोटोग्राफ करते जा रहे हैं। तो वापस जाते हुए हमें मिलता है ये सुंदर बार्किंग डियर, जो कि यहाँ मिलने वाले तीनों डियर्स यानी कि स्पॉटेड डियर, सांबर डियर एंड बार्किंग डियर्स में से सबसे छोटा डियर है। ये डियर टाइगर या लेपर्ड को देखकर जो अलार्म कॉल देता है वो किसी कुत्ते की बार्किंग कॉल जैसी लगती है, इसी वजह से इसका नाम बार्किंग डियर है। बार्किंग डियर को देखने के बाद और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें मिलता है एक बेहद खूबसूरत आउल जिसका नाम है जंगल आउलेट। यह आउलेट करीब 20 सेंटीमीटर का छोटा सा आउलेट है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री से भी ज्यादा घुमा सकता है। हमारे इंडिया के जंगल्स में ये आपको आसानी से दिख जाएगा। ये एरिया एक मेल लेपर्ड का है, और ये जो आप दो स्टोन्स यहाँ पे देख रहे हैं, इसी के पीछे हमारे ड्राइवर साहब ने कल परसों के बीच में बाइक से आते हुए तो एक बड़े मेल लेपर्ड को देखा था। तो वीरू जी ने हमें बताया कि उसी का एरिया है पूरा। तो ये जो छिड़क चौकी है सर, उससे पहले का सारा इलाका जो उसी लेपर्ड का ही है, मेल लेपर्ड है और काफ़ी बोल्ड लेपर्ड है। इसकी साइटिंग बहुत ज़्यादा होती है हमको। अच्छा। साल में अगर हम इस एरिया में 50 साइटिंग कर रहे हैं रानीपुर रेंज में, तो लगभग 25 साइटिंग इसी लेपर्ड की रहती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसकी साइटिंग है, और कई बार तो सड़क पर चलता हुआ मिलता है। अच्छा, चलिए हम भी उम्मीद कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं, शायद कोई कॉलिंग हो जाए या कोई उसकी प्रेजेंस का साइन मिल जाए हमें। पर मोस्टली होता क्या है सर, इवनिंग में साइटिंग ज़्यादा होती है इसकी, मॉर्निंग के बजाय। मॉर्निंग की वजह इवनिंग में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मैंने बताया ना, जब आप रानीपुर का ट्रैक करते हैं तो जो जंगल है, जंगल से सिटी की तरफ निकलते हैं जो लेपर्ड, हाँ, वो मॉर्निंग में जाते हैं, मतलब इवनिंग में जाते हैं, मॉर्निंग में वापस आते हैं। तो ये कुछ सिक्वेंस चलता है सर इसका। कुछ देर इस बड़े मेल लेपर्ड की वेट करने के बाद अब हमारा आज का सफर खत्म होने चला है। राजा जी टाइगर रिजर्व की तीनों जोन्स में हुई लेपर्ड साइटिंग्स ने मुझे पूरी तरह से रोमांचित कर दिया है। उम्मीद है आपको भी राजा जी की ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मोहन जोन एंड चिल्ला जोन के हमारे वीलॉग्स नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर बाकी दोनों वीलॉग्स भी देख सकते हैं और उन जोन्स की लेपर्ड साइटिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके आगे की सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे कॉर्बेट के जंगल्स में, जहां आपको बिजरानी जोन में मेरा आज तक का मिलने वाला सबसे बड़ा मेल टाइगर देखने को मिलेगा। अगर आपने स्टेप इन द वुड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप राइट बॉटम कॉर्नर पर ये लाल बटन को टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। मेरी आगे की वाइल्ड लाइफ एक्सकर्शंस को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।